फिजिकल एजुकेशन क्लास अलेवेंथ का मॉडल पेपर हमारे सामने है इस मॉडल पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं साथ साथ में आपको बताऊंगा तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि ये मॉडल पेपर कम गेस्ट पेपर है आपका मॉडल पेपर के हिसाब से भी देख लेंगे और गेस्ट पेपर के हिसाब से तो फिजिकल एजुकेशन है क्लास अलेवेंथ मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने हैं सेवेंटी और टोटल आपका तीन घंटे हैं टाइप पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आठ हैं पहले तो पहले आठ क्वेश्चन इसलिए मैं अगर ये कहूँ कि यस पेपर है तो सारे क्वेश्चन मुझे फिर पढ़ने हैं इसलिए मैं पढ़ूंगा आप ध्यान रहे अगर जल्दी जाने की कहीं नहीं है तो फिर आप आराम से देख लीजिएगा द डायमेंशन ऑफ फिलिप फील्ड ऑफ हॉकी इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक हर एक क्वेश्चन का आपको एक एक मार्क्स मिल रहा है यानी कि ऑब्जेक्टिव है इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वट इजीज ऑफ डोनार्चिया अवार्ड वट इज द ब्रेड ऑफ खो खो फील्ड ये पूछा जा सकता है वट इज द डिस्टेंस ये दा होगा यहां पर द डिस्टेंस बिटवीन लास्ट लाइन एंड फर्स्ट क्रॉस लाइन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ मनी स्टिंग ब्लॉक इज देयर इन खो खो फील्ड यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वट इज द लेंग ऑफ बैडमिंटन कोर्ट कोर्ट के हिसाब से लेकर तो इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ इंजुरी हाउ मनी प्लेयर्स कैन सबस्टिट्यूटेड ये भी इंपॉर्टेंट है तो यानी कि आपका पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर वन आपके एट क्वेश्चन आपको यहां पर है तो ये आठ के आठ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर पहले आया शॉर्ट फिर वेरी शॉर्ट दो दो मार्क्स लेकर एक क्वेश्चन है तो दो दो मार्क्स का मतलब यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा दो मार्क्स मीनस की दो तीन लाइने आपको आंसर में देने हैं ज्यादा नहीं लिखना राइट ए ब्रीफ द मीनिंग राइट इन द इन ब्रीफ द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन एनी कैरियर ऑप्शन तो ये आपका यहाँ इंटरनल चॉइस मिल रहा है दो क्वेश्चन एक्सप्लेन एनी कैरियर ऑप्शन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन को लेकर इंपॉर्टेंस को देना है वट इज वार्मिंग अप ये और एक क्वेश्चन है डिफाइन सपोर्ट्स साइकोलॉजी सपोर्ट्स वट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रमोशन ये आ सकता है नेम एनी थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स इन हॉकी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन इंडिविजुअल तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन नंबर टू जो है दो दो मार्क्स आपको मिल रहे हैं पार्ट सी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थ्री मार्क्स ईच तो आप मैंने अभी कहा था दो तीन लाइनें लिख लीजिए तो यहाँ पर दो और लाइनें जोड़ दीजिए फाइव लाइन का आप लिख लेंगे इसका आंसर वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फिजिकल एजुकेशन देखिए यही क्वेश्चन ऊपर भी है यही इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चाहे फिर तीन मार्क्स लेकर आए या दो मार्क्स लेकर आए वट इफेक्ट डू एक्सरसाइज हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वट आर द एम्स एंड ऑबजेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसके एम्स ऑबजेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्स एंड ऑबजेक्टिव को लेकर Most and most important question. Name two courses of supports and physical education under Supports Authority of India. वट डू यू मीन बाई ड्रग्स एक्सप्लेन ब्रीफली डिस्कस रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ बैडमिंटन गेम नेम कॉमन सपोर्ट्स इंजरीज ये ऊपर भी आया था क्वेश्चन वट इज द रोल ऑफ डाइट ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एक्सप्लेन द रोल मोटिवेशन सपोर्ट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वट इज द ऑलम्पिक टॉर्च ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पर क्वेश्चन सी के आपको कितने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ क्वेश्चन है तो नौ के तीन यानी कि सताइस मार्क्स आपको यहाँ पर भी मिल रहे हैं डी पार्ट जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो यहाँ हर एक क्वेश्चन के आपको पांच मार्क्स मिल रहे हैं करना है पांच मार्कस मीनस आपका इंटरनल चॉइस है तो अब यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा पांच मार्कस का कितना आंसर लिखना है यानी कि आपको दो पेजेस या डेढ़ पेज आपको आंसर में करना है व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटें क्वेश्चन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिफाइन फिजिकल एजुकेशन वट आर द एम्स एंड ऑबजेक्टिव ये मैंने बता दिया एम्स ऑबजेटिव भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वट डू यू मीन बाई मोटिवेशन एंड सेल्फ एसेमेंट फॉर कैरियर चॉइस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मस्क्यूर सिस्टम यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन नेचुरल सपोर्ट Events, the main of Games. ये भी जो आपको खुद ही करनी है सेवनटी में आपको थर्टी मार्क्स जो है वो आपको स्कूल से मिलेंगे थर्टी मार्क्स का आपको असाइनमेंट दिया होगा आप लोगों ने टीचर्स को वहाँ आपके हायर सेकेंडरीज में